हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेम्स एचडी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया फीफा 21 में से मैनचेस्टर यूनाइटेड करियर मोड का एपिसोड। तो पिछला एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आज के इस एपिसोड में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। लेकिन आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है जेम्स को खिलाने वाले भैया। हम जेम्स का जो एक पर्सनल मैसेज आया था कि भाई साहब मुझे कब खिलाओगे, कब मेरा नंबर आएगा, तो मैंने सोचा कि आज का जो मैच पहले कप का मैच होने वाला है, तो उस मैच में मैं सारे जितने भी हो सकते हैं जो इन प्लेयरों को मैंने ज़्यादा चांस नहीं दिया था उन सबको मैं इन करने वाला हूँ, और मैसी भैया को भी थोड़ा रेस्ट दे दूँ ऐसा मुझे लग रहा है। और कवानी और मार्शल के साथ हम इन करने वाले हैं। और अगर तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बड़ा लाइक मार दें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो। और अगर इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और एपिसोड आप चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई साहब आप जो हैं बहुत सारे प्लेयर आपके पास ऑलरेडी हैं, मतलब उनको आप सेल कर सकते हो और दूसरे प्लेयर्स को जो है ला सकते हो अपनी टीम में। तो मैंने सोचा था कि यार मैं सही में ऐसा कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि किसको सेल किया जाए। तो और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो लीग है, ये जो हम करियर मोड कर रहे हैं, ये सारे मेरे और आपके मिलजुल के हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कौन से प्लेयर को हमने सेल कर देना चाहिए और कौन से प्लेयर्स को हमें रखना चाहिए था, ताकि हमारे जो मीन्स जो क्या कहते हैं उसको, हमारे क्लब का जो पूरा इकोनॉमी सिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम में सेंस कि जितना बजट है वो इंक्रीज हो जाए थोड़ा सा, और थोड़े महंगे प्लेयर्स को जो हम खरीद सकें। तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सब अपने फेवरेट, जो भी मतलब फेवरेट तो नहीं बोलूंगा, कोई भी तीन प्लेयर जो आप चाहते हैं कि मैंने रिलीज कर देने चाहिए तो उनका नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिख देना। तो अब चलते हैं इस कप मैच में, और ये मैच जो वॉटफोर्ड के साथ शायद होने वाला है, तो इस मैच से बहुत सारी उम्मीदें हैं हमको, और जो नए प्लेयर्स को हमने आज खिलाया आई होप सो वो भी कुछ कमाल धमाल कर दें। लेकिन आपको जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी कुछ नई चीज़ें घटित हो जाती हैं, लेकिन अब आई डोंट नो यहाँ क्या होने वाला है। तो फटाफट मैच की तरफ चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये लाइनअप है, आप देख सकते हो। वैसे बहुत सारे लोगों को अगर नाम नहीं पता होगा तो यहाँ से भी आपको नाम मिल जाएंगे, ये आप नाम लिख सकते हो किस प्लेयर को रिलीज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कौन से प्लेयर हमारे पास है, तो इसलिए मैंने आज जो नेम लिस्ट थी उन्हें शो करवा दिए वहाँ पे। तो मैच के लिए सभी रेडी हो चुके हैं, फटाफट मैच की तरफ चलते हैं। सो हियर वी गो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की शुरुआत जो है कर चुकी थी। ओके, पहले अटैक पे वॉटफोर्ड है वहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया बॉल और अंदर इन करने की ट्राई की थी, लेकिन डियागो के पास बॉल है तो बहुत ज़्यादा कम चांस मिलते हैं कि बॉल छोड़ दे भाई डियागो। ओके, कवानी के पास बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, पॉकपा से बॉल वापस कवानी, कवानी ने बॉल दिया मार्शल को, और ये बहुत ही बढ़िया चांस है डीप के। ओ भाई ये क्या मिस किया है, ये तो 100% गोल होना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया मूव बना था मार्शल, पहली बार ऐसा गोल मिस करते हुए देखा यार मैंने, मतलब बहुत रेयर देखा है। फिर से पॉकपा के पास बॉल है, और कवानी के पास बॉल, और कवानी का बहुत ही बढ़िया मूव, लेफ्ट फुट से शूट, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे गोलकीपर के द्वारा, डिफेंस नहीं बोलूँगा, बहुत बढ़िया सेव था। ओके, माटा हेडर, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके, वॉटफोर्ड अटैक पे फिर से यहाँ पे चोलबा के पास बॉल, और बहुत ये अगर ढंग से लगाते तो शायद गोल हो सकता था भाई यहाँ पे। ओके, चलोबा के पास फिर से बॉल, और सर को बॉल दिया है चलोबा वापस, और अटैक पे बहुत ही बढ़िया डिफेंस। ओ यहाँ लकी रहे भाई हम, यहाँ गोल हो सकता था लेकिन बच गए हम। तो फर्स्ट हाफ तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज्यादा मूव रहे हमारे, थोड़े कम रहे वॉटफोर्ड के ज्यादा रहे, लेकिन गोल जो है कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन आई डोंट नो हम भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सेकंड हाफ की तरफ मैच की शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं सेकंड हाफ में क्या कमाल धमाल होता है, और हमको जो है दूसरा गोल, मतलब पहला कब किया यार हमने, दूसरे की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा गोल तो नहीं पहला गोल मिल जाए। फिर भी वो अटैक पे जेम्स के पास बॉल है, जेम्स कम ऑन मैन, जेम्स ने बॉल खराब कर दिया यहाँ पे। ओके, क्लेवरी के पास बॉल, और बहुत ही बढ़िया पास, क्या ये बॉल, ओ इन कर ली है जोआ ने, और ये बॉल मुझे लगता है अंदर डालने वाले, बहुत ही बढ़िया बॉल थी, लेकिन डिफेंस बहुत ही बढ़िया। पॉकपा के पास वापस बॉल, सेंटर में खेले हैं कवानी से बॉल मार्शल के पास, और मार्शल ने बॉल दे दिया माटा के पास, क्या गोल स्कोर हो पाएगा, जी हाँ माटा, जो कि बहुत टाइम के बाद ही इन किए थे भाई, मैंने इनको ज़्यादा खिला नहीं रहा था मैं, लेकिन फाइनली इन कर दिया और माटा ने गोल स्कोर कर दिया, और बता दिया है कि देर इज़ नो नीड ऑफ मेसी कवानी या मार्शल, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेहतरीन गोल बाय माटा, बहुत ही बढ़िया। और जितने भी कप के मैचेस आते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें मैसी को तभी खिलाऊँ जब हम एकदम से सेमीफाइनल या फाइनल में पहुँचे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके तक पहुँचने के लिए भी तो हमको भाई जीतने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया फिनिश यहाँ पे माटा द्वारा, और फाइनली एक गोल स्कोर कर दिया हमने, और मैनेजर साहब की खुशी जो है ना दिख रही है, पीछे जनता में भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। तो माटा ने एक गोल स्कोर कर दिया है, और मुझे लगता है ये विनिंग गोल भी हो सकता है क्योंकि टाइम जो है काफ़ी कम है यहाँ से। ओके, मार्शल का गुड बॉल, और रशफोर्ड के पास बॉल है, रशफोर्ड इन हो सकते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं, बॉल पीछे खींच लिया, और
बहुत ही बढ़िया बॉल मार्शल के पास और मार्शल ने बॉल दिया माटा के पास और माटा का फिर से अटैक और क्रॉस बार के ऊपर जाके लगा है भाई माटा और रॉक्स आज। ओके ओके पोक्पा भैया बॉल दे दो दे दो और फिर से अटैक और गुड सेव बहुत ही बढ़िया सेव वहां पे। ये देखो बॉल वैसे हो चुका था निकल गया था यहाँ से फिर भी भाई शूट लिया था और शूट ठीक था गोल में जा सकता था अगर गोल कीपर थोड़े से चुस्त दुरुस्त नहीं होते। ओके फिर से बॉल है यहाँ पे मार्शल के पास मार्शल का गुड शॉट लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और कवानी के पास बॉल है और कवानी ने बॉल पास कर दिया पोक्पा के पास और पोक्पा का बहुत ही बढ़िया ट्राई लेकिन ये गोल हो सकता था यहाँ पे मुझे लगता है ये गोल आराम से हो सकता था लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे कर दी हमने गोल शूट करते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा कर्व आने के चक्कर में हमने ये गड़बड़ कर दी है। ओके ये बिल्कुल एंड टाइम है अब मैच का यहाँ पे एडर लेकिन काफ़ी बार मुझे लगता है मैच भी यहीं पर एंड हो जाएगा जहाँ तक फिर से अगर हमको कॉर्नर मिला है और अगर अभी ये स्कोर नहीं हुआ तो मैच यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर से हेडर और बॉल हमारे पास है इस बार माटा के पास बॉल माटा ने इन किया मार्शल मार्शल का शूट और काफ़ी दूर गोल से और इसी के साथ ये मैच एंड। तो इस कप मोड के मैच में एक पायदान और आगे बढ़ गया हम तो ये देखना पड़ेगा। ओके बहुत बढ़िया मैच रहा थोड़ा सा परफॉर्मेंस को ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं हम हमेशा स्टार प्लेयर्स पे ही डिपेंड रहे हमारे पास जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी स्टार ही हैं हमारे लिए और बहुत बढ़िया करते हैं जैसे कि माटा ने आज बहुत तगड़ी ट्राई ली थी भाई दो ट्राई तो ऐसी डेड शॉट थी जिसमें गोल हो ही सकता था तो सिर्फ दो में से एक में तो गोल स्कोर हो ही गया लेकिन जो दूसरी हेडी थी ना वो पर भाई क्या बताऊँ मैं क्रॉस बार पर जाके लग गई जो काफ़ी ख़राब बात थी। तो ये फाइनल रिकॉर्ड्स जो थे फाइनल जो इनके टेबल में आ चुके हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके जो फिक्सचर के रिजल्ट थे वो तो हमने देख लिए थे और अब जरा क्वेश्चन आंसर कर लिए जाएँ मतलब हमारे साथ करने वाले यार ये हमको पूछते रहते हैं बार बार उल्टे सीधे क्वेश्चन कैन यू गो ऑल द वे नाउ आई थिंक एनी थिंग कैन पॉसिबल लेट्स गो अहेड फॉर आवर सेल्फ इट्स अबाउट आवर ओन परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो आई थिंक वी परफॉर्म वाला जाएंगे हम दूसरे पे नहीं जाएंगे। ओके जस्ट वन गोल इन इट आर यू हैप्पी विद भाई गोल देखो एक गोल से भी जीत रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा हमको चेक करना है हमारे सारे प्लेयर तो उनको चेक करते जा रहा हूँ तो कौन सा प्लेयर कैसे चल रहा है तो वो सारी चीज़ें जो हमें ऐसे मैचेस में ही चेक कर पाते हैं क्योंकि बाद में जो मैचेस आते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक मार्शल भाई बहुत बढ़िया खेला नो प्रॉब्लम वो बहुत बढ़िया है कैलेबर है उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वो नो प्रॉब्लम एट ऑल तो मुझे लगता है अनिल मैचेस में भी काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस करेगा। थैंक यू वेरी मच नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके तो अब यहाँ से निकल के चलते हैं थोड़ा आगे आज मैं प्लेयर ट्रांसफर विंडो में ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ सीधा मैच पे आने वाला हूँ तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप मुझे नाम जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको हमने रिलीज़ करना चाहिए और कौन से नए जो हमने लेने चाहिए। नए के लिए तो आपने बहुत सारे लोगों के नाम दिए लेकिन रिलीज़ करने के लिए किसका नाम आप देना चाहते हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ ये होने वाला प्रीमियर लीग का मैच और ये होने वाला है भाई साहब लिवरपूल के खिलाफ तो इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर है कांते तो आपको दिख ही रहे हैं और बहुत तगड़े प्लेयर हैं और ये मैच काफ़ी टफ होने वाला है सो आई होप ये मैच जो है ठीक ठीक जाए हमारे लिए और परफॉर्मेंस जो अच्छी निकल के आए हमारे प्लेयर्स की ताकि ये मैच जीते। तो आज के मैच में थोड़े से चेंजेस किए हैं हमने और आज के मैच में जो हमने मेसी को इन कर लिया है और कवानी को वेट करवाया है साथ में मार्शल को खिलाने वाले हैं तो ये हमारा पूरा इस बार का जो हमने बनाई थी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं लेकिन आई होप सो ये मैच हमारे लिए अच्छा निकले और हम परफॉर्मेंस भी तगड़ी दें तो बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है इस मैच के ऊपर और काफ़ी बड़ा मैच है दोनों ही टीमें टॉप मोस्ट हैं तो आई डोंट नो कौन सी टीम गोल पहले करेगी कौन सी टीम गोल बाद में करेगी लेकिन कोई ना कोई टीम तो गोल जरूर करेगी तो देखते हैं कौन सी टीम कितने गोल कर पाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं मैच की तरफ सो हियर वी गो पबिनो भी दिख रहे हैं हमको भाई साहब बरोबर टोविर गिल बैन दिख भी है यहाँ पे क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सारे प्लेयर इनके पास तो मार्शल जैसे प्लेयर जिनको कि सब देखना चाहेंगे और मार्शल की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई साहब बिकॉज मार्शल कभी भी सरप्राइज करके गोल कर सकते हैं कि मुझे लगता है रैशफोर्ड भी वैसे ही बंदा है मैसी के साथ अगर रैशफोर्ड के साथ चलता रहे तो बहुत बढ़िया था। चलो हियर वी गो मैच की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। ओके गुड मूव और ये थोड़ा ना ज़्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं। ओके साला के पास बॉल साला ओके गुड डिफेंस ओ गिरा दिया भाई हमारे को प्लेयर को इसने ओके ओके ट्राई फिर भी ले ली थी ओ भाई अगर कोई इंजर्ड हो गया और इंजर्ड इसी ने किया है लो भाई शॉक अंदर वापस लाना पड़ा हमको और भाई को चांस दिया था लेकिन पहले इंजर्ड हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकते अब इसमें हम क्या कर सकते हैं वही वो अटैक पे यहाँ पे शॉक के पास बॉल और काफ़ी एवरेज ट्राई थी मतलब ज़्यादा चीटें नहीं एवरेज से भी बिलो थी मतलब एकदम ओके कोई बात नहीं लेकिन गोल ढूंढना पड़ेगा हमको जितना जल्दी हो सके हम गोल ढूंढें वही हमारे लिए बेहतर हो। ओके फिर से यहाँ पे टीम अटैक पे करते हुए बहुत ही बढ़िया बॉल मार्शल के पास मार्शल से मैसी के पास मैसी ने पास किया है रैशफोर्ड के पास क्या रैशफोर्ड गोल स्कोर कर पाएंगे जी हाँ
तो रैशफोर्ड ने गोल स्कोर यहाँ पे कर दिया है, बहुत ही बढ़िया गोल, और इसी गोल के साथ जो है एक गोल की लीड हमारे पास हो चुकी है और एक गोल से आगे हम बढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या ये गोल जो हमने किया है, जो लीड हमने ली है, कि हम इसको बरकरार रख पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि सामने जो टीम है वो उसको लिए तो भाई एक मिनट भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया पास था और रैशफोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया। हालांकि जो लास्ट मैच में सिचुएशन चल रही थी वहाँ पे तो फिनिश जो था ना काफ़ी ख़राब हो रहे थे, लेकिन रैशफोर्ड से मैंने आज तक जितनी भी ट्राई करवाई है थोड़े ऐसे कम ही चांसेस हुए कि राइट फुट से उसने मिस किया, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने जो स्कोर किया ही किया। लेकिन बहुत ही बढ़िया लीड हमने ले ली, थोड़ा प्रेशर हमने बिल्ड कर दिया यहाँ पे लिवरपूल के ऊपर। सो हियर वी गो, देखते हैं बाकी। ओके, यहाँ पे साला के पास बॉल है, साला अटैक करने की ट्राई जरूर करेंगे यहाँ से। बहुत ही बढ़िया बॉल और गुड डिफेंस। विलियम के पास बॉल, लेकिन ओह कमॉन 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 भाई, खुद से ही बॉल मिलना लिया इनको। फिर से अटैक पे, यहाँ पे साला के पास बॉल और गुड डिफेंस अगेन साला। ओके, मुझे लगता है क्लियरेंस हम बहुत डिले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओह क्या बात है भाई, साला को पूरा फोकस कर रहे हैं क्या। रोबर्टो फेमिनो के पास बॉल है और माने के पास बॉल और फिर से बॉल गई विलियमसन के पास और साला। बस इसी बात का डर था मुझे कि यही गड़बड़ जो है हो सकती है यहाँ पे, और वही गड़बड़ जो है हुई है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे क्या किया जाए। हाँ भाई तू ही है, अब क्या करेंगे कुछ। यही प्रॉब्लम थी मुझे, थोड़ा डिफेंस में गड़बड़ लग रही थी। वैसे डिफेंस काफ़ी अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं खराब था, काफ़ी ज़्यादा बार हमने जो है ब्लॉक किए इनके शॉट, जो मैंने यहाँ पे कट करके नहीं दिखाया, लेकिन बहुत सारे शॉट्स जो ब्लॉक किए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये गोल स्कोर हो चुका है, और ये उस टाइम पे हुआ जब हाफ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। तो फर्स्ट हाफ के एंड होने के एकदम नज़दीक थे हम, जहाँ पे हमने साला भैया ने गोल ठोक दिया। लेकिन अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमको एक गोल की और तलाश है। अगर एक गोल हमको और मिल जाता तो लीड हमारी जो है थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर और इनके ऊपर बिल्ड हो जाए। सो हियर वी गो, ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। सो हियर वी गो, सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और धक्का मुक्की के साथ गिरा भी दी गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेसी के पास बॉल, मेसी ने बॉल दे दी है पोग्बा के पास और पोग्बा का जबरदस्त शॉट। ओ हो, ये गोल अगर हो जाता ना तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है इनके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता था। ओके, क्रॉस यहाँ पे, क्रॉस हेडर की ट्राई लेकिन काफ़ी ख़राब, गोल की तरफ गया नहीं भाई हेडर बिल्कुल भी। ओके, गुड क्लियरेंस। ओके, ये नो मैन्स लैंड पे बॉल थी, मतलब कोई था तो नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी। ओके, बाले के पास बॉल और गुड पास, पोग्बा गुड थ्रू बॉल, रैशफोर्ड यहाँ से ट्राई लेंगे मुझे लगता है, और मेसी के पास बॉल, मेसी का जबरदस्त शॉट और गोल नंबर टू हमारे पास। यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई साहब शुरुआत कर दी है, दूसरे गोल की और लीड ले ली है यहाँ पे एक गोल की, और ज़बरदस्त केमिस्ट्री टीम के बीच में, और बहुत ही बढ़िया पासिंग और बहुत अच्छा चांस था यहाँ पे रैशफोर्ड के पास भी गोल करने का, लेकिन उन्होंने खुद गोल नहीं किया और मेसी के पास बॉल दिया, और मेसी ने जो फिनिश किया वो तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये मेसी के टाइप का फिनिश है नहीं, लेकिन फिर भी ये फिनिश हुआ है और हमको गोल देके गया, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा खुश है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल दो गोल की लीड हमारे पास हो चुकी है, यानी कि एक गोल की लीड है, एक गोल लिवरपूल ने भी स्कोर किया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, टीम को कम नहीं देख सकते भाई हम, टीम काफ़ी तगड़ी है। आई डोंट नो क्या करेगी और क्या नहीं। सो हियर वी गो। ओके, फिर से अटैक पे, यहाँ पे मेसी के पास बॉल, ओ ये क्या था भाई, बॉल ही फंस गई थी, कोई बात नहीं। ओके, भाई ये टाइम वेस्ट करेंगे तो हमको चलेगा, लेकिन हमको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। ओके, गुड डिफेंस, लेकिन सीधा बॉल गई है यहाँ पे मिलनर के पास और चांस, गुड सेफ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया डिफेंस भाई। ओके, फिर से अटैक पे, यहाँ पे मेसी के पास बॉल है और बहुत ही बढ़िया बॉल रैशफोर्ड के पास, और रैशफोर्ड ने लेफ्ट फुट से क्यों मारा भाई, राइट फुट से मारता था, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे गोल स्कोर करने की। और यहाँ पे कॉर्नर मिला है और कॉर्नर से जबरदस्त हेडर वहां पे, और लिवरपूल ने फाइनली 2-2 पे ये मैच लाके खड़ा कर दिया, ये जबरदस्त हेडर यहाँ पे। अब क्या कहें इसके बारे में भाई साहब, ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे दाग दिया ना उन्होंने, कम ऑन। ये हेडर हमको भारी पड़ गया यहाँ पे, ये देखो ये हेडर अगर नहीं होता ना तो 3-2 हो चुका स्कोर। अब देखना अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैच यहीं पे एंड हो गया है, कम ऑन। ये अगर गोल यहाँ पे अगर नहीं होता ना, अगर ये लास्ट वाला जो गोल कर दिया था इन लोगों ने, अगर ये लास्ट गोल नहीं होता ना यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी।
कम ऑन मैच, और कोच साहब इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या बताया जाए, इतनी तारीफ की जाए उतनी कम। और हालांकि इस गोल की वजह से जो गड़बड़ हुई थी स्टार्टिंग वाले में, और तीन गोल उन्होंने दाग दिए और दो गोल हमने स्कोर किए, तो मुझसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन अब क्या कर सकते भाई, हार तो गए। और लेकिन कोई बात नहीं, मैच काफ़ी तगड़ा हुआ और मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये मैच ऐसा नहीं जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन इसमें एक गोल जो है बीच में मिसिंग हो चुका था, वो गोल हम नहीं दिखा पाए बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक का प्रॉब्लम हो गया था। जो कांते का गोल था जिसके वजह से 2-2 की जो वहाँ पे बराबरी हुई थी, वो गोल मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन 3-2 जो फाइनल स्कोर रहा, जो लास्ट थर्ड गोल किया था वो एकदम लास्ट मोमेंट पे आया था, वो जिसका मैंने आपको ये दिखा दिया बिकॉज वो जो गोल था वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये वीडियो जो अपलोड नहीं हो पाया, तो वो मेरे को सीन जो है वहाँ पे कट करना पड़ा। इसलिए जो है यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको एडिट दिखेंगी, मतलब वो जो पोर्शन था पूरा मुझे कट करना पड़ा, वहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक का था प्रॉब्लम, तो इसलिए वो सेकंड गोल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन थर्ड गोल आपको दिख गया, जो थर्ड गोल हुआ है वो बहुत ही मतलब मुझे समझ रहा है मैच एंड हो रहा था, हम ड्रॉ पे भी एंड कर सकते थे, ड्रॉ भी काफ़ी बढ़िया चांस था, लेकिन ड्रॉ पे भी अनफॉर्चुनेटली एंड नहीं कर पाए हम। अब क्या ही कहें, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दी हमने कुछ ज़्यादा ही एकदम टूटे फूटे हार्ट से, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन वापस जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम इस एपिसोड को लेके, तो हम कुछ और नए और एक्साइटेड चीज़ लेके आएंगे। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन से प्लेयर को हमने रिलीज़ करना चाहिए। अगर आपको नाम नहीं पता है तो इस वीडियो के सबसे पहले मैच में जाए, वहाँ पे लाइनअप पे पूरे प्लेयर्स के नाम है, तो आप मुझे बता सकते हो कौन से प्लेयर को रिलीज़ किया जाएगा और कौन से प्लेयर को रखें, और कौन से नए प्लेयर जो है रिलीज़ प्लेयर करने के बाद जो अमाउंट हमको मिलेगा उससे हम खरीद सकते हैं, तो वो आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो थोड़ा लाइक मार देना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू, बाय बाय।